हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं? कल हमने जो हमारे लेसन में सीखा था, एट द बॉटम ऑफ द ओशन, जो उसके हमने लेयर्स, समंदर की जो लेयर्स होती है उसके बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना, लेयर्स ऑफ द ओशन। तो आज हम क्या करेंगे, उसी लेयर्स को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी की है। तो आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे हमने 3 ग्लास का यूज किया है, किसको समझने के लिए? ओशंस के लेयर्स को समझने के लिए, कि कौन कौन सी लेयर्स है, जैसे हमने कल पढ़ी है उसको और अच्छे से समझने के लिए हमने ये एक्टिविटी की है। ठीक है, तो मैंने इन 3 ग्लासों में पानी भर दिया है, देख रहे हो आप, पानी भरा हुआ है ना। इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी ओशंस की लेयर्स है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो मिडनाइट जोन है, जैसे कि आपको पता है कल हमने पढ़ा है, मिडनाइट जोन वो क्या होता है, सबसे डार्कर शेड होता है, डार्कर ये होता है, ठीक है, डार्क होता है, सबसे ज्यादा डार्क होता है। तो उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, किसको, हमारे मिडनाइट जोन को। तो हम इसमें ये कलर का यूज करेंगे, इसको हम इस तरीके से डालेंगे। जो मिडनाइट जोन है वो क्या होता है, डार्क होता है, हम उसको इसकी मदद से बनाएंगे। ठीक है, ये डार्क लग रहा है क्या? नहीं, तो इसको हमको और डार्क बनाना पड़ेगा। हम इस कलर का फिर और कलर लेंगे, ठीक है, इसके ये नीचे। अब डार्क लग रहा है क्या ये? यस, लग रहा है ना। क्या इसको और डार्क बनाना है, आप बोलो। ओके, थोड़ा सा और कलर डालकर देखते हैं। ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया, मिडनाइट जोन। इसका नाम क्या है, ये क्या है, लेयर्स ऑफ द ओशन का एक ये है, ठीक है, एक लेयर जिसका नाम है मिडनाइट जोन। तो हमने ये बनाया, ये क्या है, डार्कर, सबसे जो नीचे होता है ये डार्कर साइड, ठीक है, और इसका नाम है मिडनाइट जोन। अभी हम बनाएंगे ट्वाइलाइट जोन, जो मिड में होता है, ठीक है। अभी इसके लिए भी हम इसी कलर का यूज करेंगे, लेकिन हमको ये कैसे चाहिए, थोड़ा सा लाइटर, थोड़ा सा हमको ये लाइट चाहिए, जैसे हमने वो बनाया है उस तरीके से नहीं। ये थोड़ा लाइट हुआ, ये बहुत लाइट है, यस, तो ये बहुत लाइट है, इसको हम थोड़ा और ट्यूबलाइट जोन की तरह बनाने की कोशिश करें। ये लाइट हुआ है क्या? Yes. इससे लाइट है नहीं ये? हाँ. ये सेम लग रही है, और ये इससे लाइट है नहीं है? इसका नाम क्या है, ट्यूबलाइट जोन। अभी हम बनाएंगे सरफेस जोन, जो ऊपर के तह में होता है, सबसे ऊपर होता है, उसका नाम सनलाइट भी है, सनलाइट जोन बोलते हैं, और एक सरफेस जोन जो ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो हम अभी सरफेस जोन बनाएंगे, वो क्या होता है, सबसे लाइटर होता है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि ये हमारा लाइट बने, लाइटर बने, ज्यादा डार्क ना हो, स्काई ब्लू हो। ये लग रहा है क्या लाइट? Yes. ये हमारा क्या है, सरफेस जोन है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्वाइलाइट जोन, और ये क्या है, मिडनाइट जोन,
ये दोनों में फर्क दिख रहा है या सेम दिख रहा है, या हमको इसको और डार्क बनाना चाहिए? हम एक और थोड़ा सा ऐड करते ताकि और डिफरेंस पता चले। ठीक है, अब हो गया ना ये डार्क, इससे ज्यादा डार्क है ना वो। अभी हम इसको क्या करेंगे, लेबल देंगे, इसके नाम्स भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे सरफेस जोन है, ट्विलाइट जोन है, और क्या है, मिडनाइट जोन। जोर से बोलो। यस, आप लोग सीखे हो ना ये, और अभी हम फिर से अच्छे से और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, इसके नेम्स भी हम लिखेंगे। ठीक है, इस नोट्स की मदद से। क्या नाम है इसका? सरफेस जोन। जी, हम लिखेंगे। सरफेस जोन। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे से स्टिक कर देंगे। ओके, अभी हम क्या बनाएंगे? यस। क्या नाम है इसका? यस। नहीं, ट्विलाइट इसको नाम। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसे स्टिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पे हम इसको स्टिक कर देंगे। ठीक है, समझ आया आपको? क्या क्या सीखा हमने? सरफेस जोन, कौन कौन सी लेयर्स है, सरफेस जोन, ट्विलाइट जोन और मिडनाइट जोन। ठीक है, समझ आया आपको समंदर की जो अलग अलग लेयर्स होती है उसके बारे में? समझ आया ना? वेरी गुड, थैंक यू।